ज़्यादा पहुँचे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज पहुंचे हैं करनाल। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकती हैं कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। करनाल के प्रेम प्लाजा पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज पहुँचे हैं हरियाणा के करनाल जिले में। जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, रक्त दान करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुँचे हैं और वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में काफ़ी एक जोश वो यहाँ पर देखने को मिला है। क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन? मैं सबसे पहले तो अभी लास्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं सबको क्या सारी बात हो गई थी। सबसे पहले मैं पंकज गावा और पराग गावा और पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। इन लोगों ने लगातार ये 50वां ब्लड डोनेशन कैंप और लगातार कोरोना के समय दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के दौरान मानव सेवा के लिए आगे आए और किसी उद्देश्य से आगे नहीं आए, एक अपना इंसानी फर्ज इन्होंने निभाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है क्योंकि ये इसमें सब शामिल हैं और ये हम सबका फर्ज है। ऐसे समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ऐसी किसी विपदा का मुकाबला कर सकते हैं और उस बात को इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज 50वां इन्होंने 50th छोटी बात नहीं है, ये एक मानव सेवा का एक बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने करनाल में कायम करी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए।